एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो कि कल एग्ज़ाम हुआ था जो हम लोग का जूलॉजी पेपर 4 का, उसका क्वेश्चन देखेंगे और इसका ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन देखेंगे। कितना ऑब्जेक्टिव आप लोग का सही गया है बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और कितना सही होता है उसको देखिएगा, ठीक है। मार्क आउट कर सकते हैं आप लोग सही से ऑब्जेक्टिव किए हैं। जो सिलेबस था ये कंपेरेटिव एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी का सिलेबस था, ठीक है। इसी के बारे में अभी देखते हैं, सॉरी, स्क्रीन लॉक हो गया था। ओके, चलिए देखते हैं। जी, क्वेश्चन पैटर्न सेम रहता है, जो होता है कैंडिडेट रिक्वायर्ड वही जो होता है 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन कंपलसरी होता है, और इसमें 5 क्वेश्चन आपका जवाब देना होता है, ठीक है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे जो ऑब्जेक्टिव रहता है। फर्स्ट क्वेश्चन था कि एमनियन किस में हेल्प करता है, तो प्रोडक्शन में हेल्प करता है, SND हो जाएगा। और वेजिटल हेमिस्फीयर ऑफ एग फ्रॉग कंसिस्ट ऑफ, इसमें योक होता है, ठीक है। और विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन टेडपोल ऑफ फ्रॉग, ये होता है स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। ब्लास्टोपोर इज एन अपरेचर फाउंड इन, ये ग्रेस्टुला में फाउंड होता है, ठीक है, ग्रेस्टुला में पाया जाता है। द प्लासेंटा इन मेन इज, ये होता है हीमोकोरियल होते हैं, ठीक है। और लीडिंग सेल्स किस में पाए जाते हैं, टेस्टिस में पाए जाते हैं। और फंक्शन ऑफ इंटेगोमेंट का क्या होता है, प्रोटेक्ट करता है बॉडी को, और इसमें रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर भी होता है, लेकिन प्रोवाइड बॉडी शेप ये हम लोग नहीं पढ़े थे, इसलिए ऑल ऑफ द अबव हम लोग नहीं मार सकते हैं, ठीक है। तो किसमें पढ़े थे, अभी हम गूगल सर्च करें तो उसमें दिखा रहा था कि रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करते हैं, लेकिन ये ए नंबर ऑप्शन ये कन्फर्म नहीं है कि टू प्रोवाइड द शेप ऑफ द बॉडी, ये कन्फर्म नहीं था, इसलिए ऑल ऑफ द अबव आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, द प्रोटेक्ट द बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है। इपिडर्मल ग्लैंड्स एंड हेयर्स ऑन द स्किन्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम, ये इक्टोडर्म से होते हैं, ठीक है, ओरिजिनेट होते हैं। और जो कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है रैबिट में यानी खरगोश में, ये ओसोफेगस होते हैं, ठीक है। और अस्थमा जो होता है रेस्पिरेटरी डिसीज होता है, किसके द्वारा काउज होता है, ये स्मैश होता है, स्पैम्स होते हैं ब्रोंचल मसल्स में, उसमें उसके कारण ये अस्थमा प्रेजेंट अस्थमा होता है, ठीक है, ये रेस्पिरेटरी डिसीज है। एंटीबायोटिक किसके अगेंस्ट फाइट करते हैं, ये इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करते हैं, ठीक है। और जो ब्लड लेडिंग्स जो लिविंग होता है लंग्स में, किस में रीच होता है, ये ऑक्सीजन में रीच होता है। जैसे आप पढ़े होंगे ब्लड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, जो कि हम लोग का जो लंग्स होता है, आर्टरीज और वेंस होते हैं नर्स, जो कि कैरी करते हैं ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यही जो ब्लड जैसे ही लंग्स से निकलता है वो पूरी तरह से ऑक्सीजनेटेड रहता है, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। नाउ द नेक्स्ट इज प्योरली मोटर नर्विस, दैट इज़ द एब्डूसेंस, ठीक है, ये इनका आंसर होगा ऑप्शन बी। एंड इन रैबिट्स द कैरिनियल नर्व्स आर, ये 12 पेयर होते हैं, ठीक है। और माइलिन शीथ वो क्या होता है, किसका कवरिंग होता है, एक्सॉन्स ऑफ न्यूरॉन होते हैं उसका वो कवरिंग करता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन था, शॉर्ट नोट दिया हुआ था ब्रीफ का, जो 3 क्वेश्चन बनाना होता है हम लोग को, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन था इन एमर रेस्पिरेटरी सिस्टम, फर्टिलाइजेशन था, क्लीवेज टाइप ऑफ वर्टिब्रेट ट्रैक, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, पार्थेनोजेनेसिस था, ठीक है। और ये क्वेश्चन था ब्रेन ऑफ, कंपेयर करना था, ये था ना कंपेरेटिव एनाटॉमी, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन ऑफ एम्फीबिया और रैबिट का, फिर स्ट्रक्चर ऑफ था इंटेगोमेंट का फ्रॉग एंड रैबिट का, ये क्वेश्चन सब दिया गया था। और प्लासेंटा इन मेमल्स, इसका डेवलपमेंट क्या होता है, टाइप्स और फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में डिस्क्राइब करना था। और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन क्या होता है चीक में, इसके बारे में डिस्क्राइब करना था। और एम्फीऑक्सिस का फॉर्मेशन, सिलोम का ऐसा फॉर्मेशन होता है, इसके बारे में डिस्क्राइब करना था। और इसका ऑर्गेनाइजेशन होता है आई इन चीक एम्ब्रियो का, इसका डिस्क्राइब करना था, ठीक है। सो यही तक क्वेश्चन था, सो डैट्स इट फॉर टुडे लेसन। एंड आपको अगर PDF चाहिए इस क्वेश्चन का, तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर हम फर्स्ट कमेंट सेक्शन में इसको पिन कर देंगे। आप लोग का कोई भी जो भी नोट्स हो, जो भी नोट्स अभी तक हम पढ़ाए हैं यूट्यूब पे, वो सब सारा वहाँ पे अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। डैट्स इट।